नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं कि सर्दियों के मौसम में जो है खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि माता पिता जब स्कूल भेजते हैं तो उन्हें डर रहता है कि उनके बच्चे को कहीं ठंडा ना मार दे, और इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे सावधानी बरती जा सकती है। तमाम जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी जो है स्कूल की छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे, और स्कूल भेजते समय माता पिता सोचते हैं कि ठंड में बच्चे कैसे वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है बदमाशी करेंगे, तो उनका किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए? कि जाड़े के दिनों में छोटे बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्कूल जाने पर बच्चे हैं, अगर स्कूल के अंदर जहाँ भी बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो क्लासरूम है वो वार्म रहे, गर्म रहे, उसकी खिड़कियाँ दरवाज़ा प्रॉपरली बंद रहे, क्योंकि अभी आप कोल्ड वेव चल रहा है, अगर खिड़की दरवाज़ा खुली रह जाएगी तो अंदर में कोल्ड वेव से बच्चों को परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, बच्चों को कोल्ड का एक्सपोजर से कोल्ड स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि घर के अंदर जितनी जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी है कि बच्चों को पूरी तरह से गर्म कपड़ों से लैस करके भेजें, जिनमें उनका कान सर ढका रहे, ग्लव्स रहे, प्रॉपर मोजा रहे, फुल रहे, और इसमें विशेषकर जो गाँवों के स्कूल में जा रहे हैं बच्चे बच्चियां आज के दिन में, उनको भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार स्कूल में खिड़कियां दरवाज़ा अगर नहीं है तो वहां से कोल्ड एक्सपोजर होने की संभावनाएं रहती हैं। वैसे में अगर कहीं भी स्कूल में खिड़कियां दरवाजे नहीं हैं अभी, तो उस खिड़की दरवाजे को टेम्प्ररी मेथड से कंबल से किसी चीज़ से गाँव के लोग मिल करके ढक दें, जिससे कि हवा लगातार स्कूल के अंदर नहीं आए, क्लास रूम के अंदर नहीं आए, और बच्चों को अपना कुप्रभाव न छोड़े ठंड का। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने की आवश्यकता है छोटे बच्चों को, जाड़े के दिनों में कैलोरी हीट मेंटेन करने के लिए थोड़ी कैलोरी ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेनेंस में थोड़ी कैलोरी जाती है। तो बच्चे खाली पेट न रह जाएं, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि खाली पेट में कोल्ड एक्सपोजर और कोल्ड वेव का इफेक्ट ज़्यादा होने की चांसेस रहेगी, क्योंकि हीट जो बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कैलोरी कम है तो उसको उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना हीट को बॉडी को इंसुलेट करना है। तो खाने का प्रॉपर टिफिन बच्चों को मिले, और ये सर्टेन कर लें पेरेंट्स और स्कूल के शिक्षक भी कि बच्चे अपने टिफिन को प्रॉपरली खा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों का चूंकि फैट का इंसुलेशन, फैट का कवरिंग जो शरीर के ऊपर में रहता है वो बहुत कम रहता है, इसलिए कोल्ड का एक्सपोजर उनको बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो उन्हें प्रॉपरली विंटर का जो ड्रेसअप है इतना इनर वार्मर ये सब भी रहना जरूरी होगा, कि इनर पहन करके जाएं, जिसमें कि उनका इंसुलेशन है, एक लेयर जो फैट का कम है वो प्रॉपरली उससे बन पाए, मिल पाए। तो इस तरह से बच्चों पर विशेष सावधानी रखनी है, और बच्चों में अगर कहीं भी किसी स्कूल में एक भी बच्चे को इस सीज़न में अगर कोई इन्फेक्शन है, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, फीवर आ रहा है, तो वो बच्चे को तुरंत आइसोलेशन में रहना चाहिए, छुट्टी उसकी रहनी चाहिए, वो जब तक उसको इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उसे स्कूल नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जाड़े के दिनों में एक भी या दो भी बच्चे को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो बहुत तेज़ी से पूरे स्कूल में फैल सकता है। इसके अलावा बच्चे बहुत जल्दी सर्दी की चपेट में आ जाते हैं, उन्हें बहुत ही जल्दी ठंडी लग जाती है, और सर्दियां जो है खासकर बच्चों का पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, सर्दियों में जैसा मैंने बताया कि बच्चों का इंसुलेशन कम होता है, जो फैट का सेल्स कम है, तो एक्सपोज जल्दी से हो सकते हैं बच्चे, और खेलने पर भी उन्हें महसूस नहीं हो पाता है कि उन्हें ठंड का शिकार हो पा रहे हैं। तो बच्चों को उनके पेरेंट्स की सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल रहती है कि बच्चों को पूरी तरह से लैस रखें अपने गर्म कपड़ों से, और इसके साथ साथ फ्लू का टीका छोटे बच्चों में जो स्कूल जा रहे हैं उन लोगों को ज़रूर से, जो एनुअल टीका WHO के द्वारा आता है उससे, उस टीका को ज़रूर से दें, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों में भी खाने के लिए जो ताजे घर की भोजन है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को, कि जिससे कि उनकी इम्यून स्टेटस रहे, जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स के सूप हैं, जिसमें कि फल हैं जिसमें विटामिन सी से जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध फल होते हैं, उन सब चीज़ों का चयन करना चाहिए, बाकी जंक फूड को और कोल्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका रिया जी।
तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उन्हें किस तरीके से ख्याल रखा जा सकता है, उन पर ठंडा का असर ना हो इसका किस तरीके से इस बात का ध्यान रखें। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।